You're a superhero. हेलो गाइस, मेरा नाम सैयद नकवी है और आप देख रहे हैं टेक्नो वजाहत। गाइस, कुछ ऐसा स्टेटस जो कि आपने सैम्पल वीडियो में देख लिया होगा, ये स्टेटस मैं काइंड मास्टर और पिक शॉट से एडिट करूँगा, मतलब कि दो ऐप से एडिटिंग करूँगा। पिक शॉट से मैं खाली पिक्चर एडिट करूँगा और काइंड मास्टर से पूरी वीडियो एडिट करूँगा। जितने मटेरियल मैं यूज़ करूँगा इन सब का लिंक मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, और जितना मैं दो ऐप्स का एप्लीकेशन में यूज़ करूँगा इन सब का लिंक मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो मैं सबसे पहले पिक शॉट ओपन कर लेता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने अपना पिक शॉट ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद कुछ आपके सामने इंटरफेस आ रहा होगा। इंटरफेस आने के बाद सबसे नीचे ड्रिप का ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक कर लेगा। गैलरी का ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक कर लेगा। मतलब कि इस गैलरी ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आप कोई सी अपनी इमेज ले सकते हैं। तो यार, सबसे पहले वाली इमेज ले लेता हूँ। आप अपनी कोई सी भी ले सकते हैं, ले लेंगे। उसको थोड़ा क्रॉप कर देगा और एक टिक का ऑप्शन आएगा सबसे टॉप पे, सीधा आप उस पर क्लिक कर लेगा। ये डाउनलोड हो रहा है, आप देख सकते हैं। मतलब कि आप इतने सारे कोई से भी ले सकते हैं, बहुत सारे फीचर्स दिए हुए हैं। तो डाउनलोड हो चुके हैं, 99 हो चुके हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, इसके लिए आप देख सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में कैमरा यूज़र नेम लग चुका है, तो बैकग्राउंड ले लेंगे कोई से भी। आप आईडी भी फॉलो कर सकते हैं, लग चुका है यूज़र नेम। अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है, थोड़ी बीच पर क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन आ रहा है सेफ टू। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने अपना काइंड मास्टर ओपन कर लिया। ओपन करने का प्लस का आइकन आ रहा है, उस पर क्लिक कर लेगा। 16:9 वाले रेशो पे क्लिक कर लेगा। क्लिक करने के बाद हमें एक बैकग्राउंड ले लेना है, मीडिया पे क्लिक कर लेगा और वाइट बैकग्राउंड चूज कर लेगा और इसको 15 सेकेंड तक कर लेगा। करने के बाद वापस वीडियो को स्टार्टिंग में लेयर ऑप्शन क्लिक कर लेगा। जो इमेज हमने पिक शॉट से एडिट करी है, उस इमेज को हम लेकर आएंगे इसमें। आप थोड़ा इसको बड़ा कर लेगा और इसको कॉर्नर पे लगा देगा। तो इस इमेज को भी वीडियो के एंड तक ले जाएंगे, लेकिन जाने के बाद वीडियो को स्टार्टिंग में आएंगे, लेयर का उसमें क्लिक कर लेंगे, टेस्ट का उसमें क्लिक कर लेंगे। तो इसके बाद हम अपना नाम लिख लेंगे, जो भी आपका नाम है आप लिख सकते हैं। मैंने अपना नाम लिख दिया वजाहत। उसके बाद क्लिक कर लेंगे और फाउंड का ऑप्शन आ रहा है, मतलब डबल ए का ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक कर लेगा। और हैंड राइटिंग वाला फाउंड आ रहा है, उस पर क्लिक कर लेगा और ज़्यादा फॉन्ट चूज़ कर लेंगे और थोड़ा इसको जूम कर लेंगे। फॉन्ट चूज़ करने का इसको भी वीडियो के एंटर ले जाएगा वापस से, और इसको कलर दे देंगे हम ब्लैक। ब्लैक कलर देने का वीडियो के स्टार्टिंग में लेयर का ऑप्शन क्लिक कर लेगा और टेक्स्ट का ऑप्शन क्लिक कर लेगा। और जो साइड में सबसे नीचे लिखा हुआ रहेगा बैड बॉय, तो हमें ये भी लिख लेंगे। बैड बॉय लिखने का डबल एक ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर लेगा और इसको भी आप कोई सा भी फाउंड दे देगा अपने हिसाब से। तो मैं ये वाला फाउंड दे देता हूँ और इसको ब्लैक कलर दे देगा और इसको भी बैड बॉय वाले मतलब कि टैग्स को वीडियो के एंड तक ले जाएगा। लेकिन आने के बाद वीडियो को स्टार्टिंग में आएगा, लेयर का ऑप्शन क्लिक कर लेगा और मीडिया का ऑप्शन क्लिक कर लेगा। मैं आपको एक इमेज दे दूंगा उस लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाके उसको डाउनलोड कर लेगा आराम से। ये मैंने इमेज अपने काइंड मास्टर में ला रहा हूँ, इसको थोड़ा छोटा कर लेगा, मतलब कि हेडफोन है ये, और इस पर क्लिक कर लेगा। क्लिक करने का इसको वीडियो के एंड तक ले जाएगा जहाँ तक वीडियो है। लेकिन यानी कि मैं दो वीडियो का लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर आप डाउनलोड कर लेगा। लेयर का उसमें क्लिक कर लेगा, मीडिया का उसमें क्लिक कर लेगा, हम वो दो वीडियो लेकर आएंगे। जहाँ तक हमारा नाम आ रहा है उस पर हम ये लेकर आएंगे पूरी, मतलब के तो ब्लेंडिंग का ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक कर लेगा और स्क्रीन कर देगा। उसके बाद वीडियो का स्टार्टिंग में आ जाएगा, लेयर का ऑप्शन क्लिक कर लेगा, मीडिया का ऑप्शन क्लिक कर लेगा।
मैं एक और वीडियो का लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके उसको डाउनलोड कर लिएगा। तो इसको यहाँ लगे सेट करके लगा देगा, बिल्कुल लगाने का ब्लेंडिंग का ऑप्शन आ रहेगा। और इसको भी स्क्रीन कर देगा, मतलब कि आपके जैसे दिल निकल लेंगे, ये आप देख सकते हैं। तो आखिरी बात ये, जितने भी हमारे बैकग्राउंड से मतलब कि आगे पार्ट आ रहे हैं उसको हम कटिंग कर देंगे, ट्रिम कर देंगे मतलब के। ये करने के बाद उसका ऑडियो लगा देगा, फिर और अच्छी वीडियो आपकी एडिट हो जाएगी। तो ऑडियो पे क्लिक कर लिएगा, सबसे एंड में चले जाऊँगा और व्हाट्सएप वाले स्टेटस पे। ये मेरा ऑडियो डिलीट हो गई है मेरे से, तो आप अपनी मर्जी से कोई ऑडियो लगा लेगा। तो उल्टा आप शेयर का ऑप्शन आ रहेगा, उस पर क्लिक कर लेगा और एक्सपोर्ट का ऑप्शन आएगा, यहाँ से आपकी वीडियो सेव हो जाएगी मोबाइल में। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर देगा। शुक्रिया।